सिरसा में आज ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन हुआ है और साथ साथ अयोध्या के रामलला का विराजमान हुआ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और सिरसा भी एक ऐतिहासिक दीपावली का साक्षी आज बना है। सिरसा के श्री बाबा तारा कुटिया में आज 31 फुट ऊंची भगवान राम की श्यामवरण प्रतिमा, धनुर्धारी श्याम की प्रतिमा का अनावरण विधायक गोपाल कांडा ने किया है। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का जो आज उत्साह देखने को मिला और इस उत्साह के लिए वे क्या कहते हैं। गोपाल जी, आज ऐतिहासिक शोभा यात्रा का साक्षी सिरसा बना है और यहाँ एक 31 फुट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया है, किस रूप में सारे कार्यक्रम को देखते हैं? देखो, मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं सभी का धूमधाम से, सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों का एक बार, जिन्होंने इतनी मेहनत की 10-15 दिनों से इस भगवान के भव्य कार्यक्रम की, भगवान श्री राम के आगमन की जो इतनी तैयारियां की और इतनी दिल से आज उन्होंने इतना पूरा साथ दिया और शहरवासियों से जो निवेदन किया था वो सब ने एक दिन भगवान राम के नाम, तो पूरा दिन आज पूरे शहर ने, पूरा शहर बच्चों के साथ घर घर से पूरा शहर उमड़ा और पूरा शहर राम में हो गया। जो मैंने कहा था कि सिरसा के अंदर ऐसी दीप दिवाली मनेगी जो अयोध्या के बाद इतनी बड़ी शोभा यात्रा और ऐसी दीप दिवाली वो आपके सामने है कि ऐसी पूरे हिंदुस्तान में नहीं कहीं बनी होगी, या अयोध्या में या सिरसा में। तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं सिरसा के सभी मेरे साथी, मीडिया के सभी साथी, सभी माँ बहनें भाई, सभी साथियों को बहुत बहुत भगवान श्री राम की तरफ से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बुलावे पर इतना साथ दिया और इतनी भव्य शोभा यात्रा आज पूरे शहर को देखने को मिली। एक बड़ी शोभा यात्रा की बात थी, एक बड़ा संदेश भी देने का काम किया गया कि सभी समाज, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, रविदासिया है, अग्रवाल समाज है, तमाम तरह के समाज और तमाम तरह के संगठन जो इसमें शामिल हुए, एकता का एक बड़ा संदेश देने का काम किया। आपको लगता है कि इसमें एक आपका सपना यह भी था, एक साकार हुआ है? कलाकार पधारे, देखो भगवान झांकियां देखें, भगवान के यहाँ कोई भी जात पात कुछ नहीं होती, हर व्यक्ति, हर वर्ग का, हर जात का, हर आदमी के लिए बराबर है और सभी ने सहयोग किया, सभी ने झांकियां निकाली, सर्व समाज की तरफ से ये प्रोग्राम था और सभी ने इतना साथ दिया। मैं दिल से बहुत बहुत सभी का आभार व्यक्त करता हूं और भगवान राम के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आज इतने बड़े भव्य कार्यक्रम को जो उन्होंने इतना सुगम और इतना सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर दीप आपकी ओर से पहुंचाए गए और एक बड़ा संदेश, प्रधानमंत्री का आह्वान था कि घर घर दीपावली मनाए, उसके बाद आपने दीप पहुंचाए घर घर तक, कैसा महसूस हो रहा है? और एक सबसे बड़ी बात कि आज प्रतिमा का अनावरण, कैसी खुशी है भगवान राम कुटिया में विराजमान हुए? देखो, मेरी कुटिया में कह देना कि वो एक भजन इतना पॉपुलर है कि मेरी कुटिया में राम आएंगे, तो आज कुटिया में भगवान शिव के इस तारकेश्वर धाम में राम की भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो बहुत बहुत सभी को बधाई। एक बड़ा सवाल आज सिरसा में ही बड़ा घूम रहा है कि इतने बड़े आयोजनों की प्रेरणा, ऊर्जा, शक्ति कहाँ से मिलती है गोपाल और गोविंद को? देखो, यह ऐसा है कि ये सब ईश्वर की कृपा से होते हैं, कोई भी इंसान नहीं करता, बस मन इंसान का करने का। जैसे मैंने कहा कि पहले भी सरकारें रही हैं, मोदी जी की निष्ठा, प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य, उनकी ईमानदारी, उनकी सोच, अच्छी सोच से ये काम हुआ अयोध्या का, वैसे ही ये काम सिरसा का भी अच्छी और सोच से होता है, आदमी की सोच अच्छी हो तो ये काम, ऐसे काम। सनातन पर लगातार हमले हुए हैं देश में, कभी विपक्ष ने आरोप लगाए किसी तरह के, आप क्या लगता है कि आज एक तरह से राम मंदिर की स्थापना से उन हमलों में गिरावट आएगी? गिरावट नहीं आएगी, मुझे नहीं लग रहा कि अब सनातन धर्म के बारे में कोई भी इस दुनिया में भी कोई कुछ बोल पाएगा, क्योंकि सनातन धर्म ने आज दिखाया है कि सनातन धर्म क्या है। आज सबको देखने को मिला कि सनातन धर्म में क्या ताकत है, क्या शक्ति है, क्या एकता है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई सनातन धर्म के बारे में कुछ बोलेगा तो संसार में उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। संविधान में राम राज्य का जिक्र है, संविधान रचयिता बाबा अंबेडकर ने राम राज्य का जिक्र किया था, आपको क्या लगता है, आप एनडीए के सहयोगी हैं, क्या राम राज्य लौट आया है भारत में? देखो, राम तो लौट आए हैं और जब भगवान राम आए हैं तो राम राज्य भी आएगा, और रामराज भी है तो ही भगवान राम आए हैं। जरा एक बार तो यही सोचे।
ये थे हमारे साथ गोपाल कांडा और कह रहे थे तो निश्चित रूप से जो राम राज्य का सपना है वो साकार होगा और जैसे राम आए हैं वैसे ही राम राज्य भी आएगा। सिरसा से अमित तिवाड़ी, हरियाणा न्यूज़।